Assalamu alaikum students of 8th class. I am going to start my new lecture of unit number 2, Patriotism. Today we are going to do book work, page number 16 to 19. So our first question is contextual, yani abarti, abarat ke lihaz se maini, aur dictionary, yani lugat ke lihaz se maini. Conservation ka matlab hota hai tahaffuz ya hifazat. Contextual meaning save and dictionary meaning preservation. Instance ka matlab hota hai misal dena, example. So contextual meanings और dictionary meaning दोनों example है. Fidelity का मतलब होता है वफादारी, loyalty और devotion. Shield का मतलब होता है हिफाजत करना, to protect or protection. Reward का मतलब होता है इनाम, prize और prize. So अब question second is make as many words as you can from these root words. Root word आपको दिया हुआ है यहाँ पर work. Work से हमने words बनाने हैं, जैसे workplace, working, workstation, workshop, worked और worker. इसी तरह हमने प्ले से वर्ड बनाने हैं, प्ले ग्राउंड, प्लेइंग, प्लेफुल, प्लेयर, प्ले लैंड और प्लेड. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मॉडल वर्ब्स. व्हाट इज कॉल्ड मॉडल वर्ब्स? अ मॉडल वर्ब इज अ टाइप ऑफ वर्ब दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट मॉडलिटी. That is like likelihood, यानी आपकी पसंद, आपकी काबिलियत, आपकी 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 इजाज़त, आपकी इल्तजा, आपकी कैपेसिटी, आपकी सजेशन यानी आपके मशवरे को, आपके हुक्म को, आपके फ्राइज को, आपकी नसीहत को जो वर्ड्स शो करते हैं उनको मॉडल वर्ब्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल कैन, विल, मस्ट, माइट, मे, ईटीसी. सम मॉडल वर्ब्स एंड देयर फंक्शंस. मॉडल वर्ब्स क्या हैं जी? सबसे पहले कैन, कुड, मे, माइट, वुड. ये इंडिकेट करते हैं आप किसी पॉसिबिलिटी को, यानी किसी काम के मुमकिन होने को. कैन, विल, कुड, वुड ये इंडिकेट करते हैं आपकी एबिलिटी को. मस्ट, विल, शैल ये सर्टेनिटी को, यानी किसी काम को, ऐसा कोई काम जो यकीनी तौर पर होना ही है. माइट, शुड, ऑट ये प्रोबेबिलिटी को शो करते हैं. कैन, कुड में ये इजाज़त, परमिशन को शो करते हैं. शुड, मस्ट, नीड, ऑट टू ये आपके फराइज को शो करते हैं. पेज नंबर 19 पार्ट ए, यूज एप्रोप्रिएटिव मॉडल वर्ब्स टू डिस्क्राइब योर थ्री एबिलिटीज एंड कैपेसिटीज. आई कैन लिफ्ट द हैवी बॉक्स, यानी मैं भारी डब्बे उठा सकता हूँ. आई कैन क्लिंच फर्स्ट पोजीशन इन क्लास, मैं क्लास में पहली पोजीशन ले सकता हूँ. आई कैन लर्न समरी ऑफ द पोएम वेरी इजिली, मैं नज़म की समरी बहुत आसानी से याद कर सकता हूँ. आस्क अ फ्रेंड टू लेंड यू अ बुक, कैन यू लेंड मी योर बुक फॉर अ फ्यू डेज. आपने अपनी दोस्त से इजाज़त लेनी है किताब लेने के लिए. उसके बाद है आस्क योर टीचर परमिशन फॉर गोइंग आउट. टीचर से बाहर जाने की परमिशन लेनी है. मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, क्या मैं पानी पीने के लिए बाहर जा सकता हूँ. एक्सप्रेस नेसेसिटी टू गेट अप अर्ली, सुबह उठने की जो नेसेसिटी उसका इजहार करना. आई मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह जल्दी ज़रूर उठना चाहिए. एक्सप्रेस द ड्यूटी एंड ऑब्लीगेशन टू फॉलो द, वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स. शेयर सम पास्ट हैबिट, आई यूज टू वेंडर इन द स्ट्रीट इन माई चाइल्डहुड. काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज, एक्सक्लेमेटरी उसके आगे ये साइन आता है. एसर्टिविटी में पॉजिटिव सेंटेंसेज आते हैं. इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क आता है. नेगेटिव में नॉट का इस्तेमाल होता है. और इंपैरेटिव सेंटेंसेज के अंदर हमें कोई ऑर्डर दिया जाता है, कोई हुक्म दिया जाता है, जैसे ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, शट द डोर, ओपन द विंडो. आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, एक्सक्लेमेटरी है, एक्सर्टिव है, इंटरोगेटिव है, नेगेटिव है या इंपैरेटिव है. आर्ट इज अनदर सब्जेक्ट इन विच आई एम पर्टिकुलर इंटरेस्टेड, ये एक्सर्टिव सेंटेंस है. What a beautiful painting, इसके आगे exclamatory mark है तो ये exclamatory sentence है. Teach him to learn, ये imperative है क्योंकि इसको में order दिया गया है. How would I know, ये question mark, interrogative है. She did not make a false statement, ये negative है. अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं.